सत्यात् प्रकाश नवम समुल्लास के ये चौथी कक्षा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती नवम समुल्लास के प्रारंभ करते हुए विद्या अविद्या बंध मोक्ष के विषय को लेते हुए प्रारंभ किए और बताया कि शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना से अर्थात सत्य भाषण आदि कर्म करने से मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही यह मुक्ति का साधन है। फिर मुक्ति किसको होता है नहीं होता है ये बात चर्चा करते हुए महर्षि ने एक वाक्य बहुत बढ़िया बताया कि पाप रूप कर्म के फल भोग रूप बंधन में फंसना ये एक प्रेरणा मिलता है। बाकी जीवात्मा का ये स्वाभाविक है कि हम बंधन में आएंगे, अर्थात अल्प न होने के कारण से ये बंधन को प्राप्त करेगा मुक्ति को प्राप्त करेगा ऐसे सारे बात बताया गया। फिर पूर्व पक्षी के बातों को खंडित करते हुए आत्मा ईश्वर नहीं है किंबा अंतकरण से बंधा हुआ नहीं है। जीवात्मा जो है जीवात्मा जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं है इस बात को खंडित किया। फिर उनने निराकार ईश्वर का भी आकाश के समान घटाकाश मठाकाश के समान निराकार ईश्वर का एक भाग अर्थात अंतकरण के कारण से अलग अलग हो गया है ऐसे माने तो बताया कि जैसे घटाकाश मठाकाश मेघाकाश महाद आकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ब्रह्म के ब्रह्मांड और अंतकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव का नाम होता है। सारे तो जीव ही जीव है परंतु अंतकरण के नाम से ये योगेश जी है ये रविंद्र जी है ऐसे हो गया आपका अंतकरण कारण से आपके नाम हो गया इनके अंतकरण कारण से ये नाम हो गए है तो ब्रह्म एक ही है ऐसे पूर्व पक्षी बताए तब उसको उत्तर में दिए हैं यह बात भी ठीक नहीं है क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता वो एक रूप रहता है और जब घटाकाश भी कहते हैं तब घटाकाश के घड़ाकुलाव बताते हैं घटाकाश लाव ऐसे नहीं बताते हैं क्योंकि आकाश एक रूपता होता है परंतु यहाँ पर तो भाई योगेश जी आओ बताते हैं ना हमने योगेश जी को लाव बताते हैं तो वो अलग होता है वो एक ही नहीं होता है तो इसी कारण से उसको खंडित किए आगे बढ़ेंगे। अभी पूर्व पक्षी ना चल रहे दोनों का रूपेन जी सुनाई दे रहे हैं आपको हाँ ठीक है कोई दूसरे के फोन आ रहा है। प्रश्न जैसे घटना जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतकण घूमते हैं। ठीक है ये तीसरे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं मान्यता को डाल रहे हैं कि भाई ठीक है निराकार है कोई बात नहीं उसके अंदर में ये जैसे कि पानी के अंदर पानी तो समुद्र में विराट है उसके अंदर छोटे 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 मछली आदि होते हैं और विराट आकाश है उसमें होते हैं छोटे छोटे पक्षी होते हैं तो इसी प्रकार से जो बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतकरण घूमते हैं। ठीक है और वे स्वयं तो जड़ है परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता में जैसा कि अग्नि में लोहा वैसे ही चेतन हो रहे हैं। ठीक है अग्नि में जैसे लोहा लाल हो जाता है
उसी प्रकार से जड़ पदार्थ अंतकरण ही चेतन रूप है। ये जीवात्मा, ये योगेश जी के अंदर में कोई चेतनता नहीं है, वो ब्रह्म के चेतनता थोड़ी बहुत आ गया है ब्रह्म के अंदर रहने के कारण से, ठीक है, वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है, वैसे ही जीव और ब्रह्म, जीव को ब्रह्म मानने से कोई दोष नहीं आता, ठीक है। योगेश जी जो है वो ब्रह्म ही है, अभी वो अंतकरण के कारण से थोड़ी बहुत चेतनता आ गई, पूरा तो आया नहीं, ब्रह्म जैसे सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, थोड़ी बहुत आ गया है, बाकी ये जड़ पदार्थ है, ये जो अंतकरण ही है, कुछ चेतनता आत्मा उसके अंदर में ऐसे मानना नहीं चाहिए, वो ब्रह्म रूप ही है, ऐसे पक्ष रखा गया। तो उसको उत्तर पक्ष जो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, यह भी तुम्हारा दृष्टांत सत्य नहीं है, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अंतकरण में प्रकाशमान होकर जीव होता है, यदि सर्वव्यापक ब्रह्म अंतकरण में प्रकाशमान होकर जीव होता है, तो सर्वज्ञादि गुण उसमें होते हैं वा नहीं? यदि ब्रह्म ही है तो उसमें सर्वज्ञादि गुण होना चाहिए, तो होते हैं कि नहीं है? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होते, तो कहो कि ब्रह्म आवृत्ति व खंडित है व अखंडित हुआ। अर्थात यहाँ पर योगेश जी के स्थान में जो 5 फीट की जगह है, उस जगह में ब्रह्म का अभाव हो गया, क्योंकि यहाँ अल्पजी हो गए, ब्रह्म नहीं है, उसको आवरण में ढाक लिया, अंतकरण उसको दबा दिया, इसी कारण सर्वज्ञता हट गई ईश्वर से, ठीक है, ब्रह्म से हट गया, ऐसे मानना पड़ेगा। तो वहाँ ब्रह्म आवृत्ति और खंडित है व अखंडित है, जो कहो कि अखंडित है तो बीच में कोई पर्दा नहीं डाल सकता, यदि अखंडित है ब्रह्म बोलेंगे तब तो बीच में अंतकरण पर्दा नहीं डाल सकता, इसको कम तो नहीं कर सकता, शक्ति को कम नहीं कर सकता, जब वो पर्दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं, तो वो मनुष्य के अंदर में सर्वज्ञता क्यों नहीं आया यदि पर्दा नहीं है तो? यदि कहो कि अपने स्वरूप को भूल कर अंतकरण के साथ चलता सा है, यदि आप कहेंगे नहीं ब्रह्म जो है वो अंतकरण के कारण से उस जगह में भूल गया है, अंतकरण उसको ढाक लिया है और भूल गया, ऐसे कहे तो साथ चलता सा है, तो स्वरूप से नहीं, स्वरूप से नहीं है, स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है, परंतु अंतकरण से कारण से वो थोड़ा सा भूल सा जैसे गया है वो ब्रह्म उसी जगह में, ठीक है, तो स्वरूप से नहीं, तो जब स्वयं ही नहीं चलता तो अंतकरण जितना जितना पूर्व प्रांत को, पूर्व प्राप्त देश को छोड़ता और आगे आगे जहाँ जहाँ सरकता जाएगा, वहाँ वहाँ का ब्रह्म भ्रांत अज्ञानी होता जाएगा, ठीक है, और जितना जितना छूटता जाएगा वहाँ वहाँ ज्ञानी पवित्र और मुक्त होता जाएगा। तो ये बताना चाहते हैं कि जब स्वयं ही नहीं ये कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि ये योगेश जी के अंतकरण वाला है, जीवात्मा नहीं है, अंतकरण वाला है, ये अंतकरण ब्रह्म में है, ठीक है, मान के चले पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म के अंदर में ये चीज जो है जा रहा है, ठीक है, तो इस स्थान से जब वो इस स्थान में तभी अंतकरण कारण से ये अज्ञानता कम न्यून ज्ञान हो गया, अभी ये सट के जाएगा, यहाँ से जाएगा, पैदल तो चलते हैं ना, ये अंतकरण जाते हैं, यहाँ से जाएंगे जींद बाईपास जाएंगे रोहतक, तो ये जाएगा कि नहीं, अंतकरण जा रहा है, जब जाता है ब्रह्म के अंदर जाता है, तो इस भाग में जो अंतकरण में अंतकरण था वहाँ तो अज्ञानता था, अभी ये जगह क्या होगा जब वहाँ चला गया, तो ये अज्ञानता दूर अज्ञानता चलते चलते जाएगा ना, ये तो ब्रह्म को जहाँ चाहेंगे वहाँ अज्ञानता कर सकता है वो जीवात्मा, और यहाँ जो जहाँ पर अज्ञानता था पहले वो ज्ञानी हो जाएगा, इस जगह में ज्ञानी हो जाएगा ना, ब्रह्म ब्रह्म एक है ना, वहाँ पर ब्रह्म एक है, उसी के जैसे कि होता है ना, जैसे कोई गाड़ी होता है तो कि मैं कोई खेलना होता है तो खेलना जाता है, तो जहाँ जहाँ जाता है तो एक स्थान के स्थान जाता है भूमि एक ही, ऐसे ब्रह्म एक में ही अंतकरण जा रहा है, तो अंतकरण जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसको अविद्या घेर लेगा, उसको मूर्खता कर लेता है ना, तो खंड खंड हो गया कि नहीं ब्रह्म, तो वो बात को यहाँ बताना चाहते हैं, जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अंतकरण के साथ चलता सा है,
और स्वरूप से नहीं, स्वरूप तो जैसे कि वैसे है, अंतकरण के कारण से थोड़ा चाल चाल जैसे चल रहा है वैसे है। तो जब स्वयं नहीं चलता तो अंतकरण जितना जितना पूर्व प्रांत देश छोड़ता और आगे आगे जहाँ जहाँ सरकता जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म भ्रांत ठीक है अज्ञानी होता जाएगा, और जितना जितना छूटता जाएगा वहाँ वहाँ ज्ञानी ठीक है पीछे पीछे ज्ञानी हो जाएगा और पवित्र और मुक्त होता जाएगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अंतकरण बिगाड़ा करेगा, जहाँ जहाँ जाएगा उसको बिगाड़ देगा उसको, और बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में होता करेगा उस जगह में हुआ करेगा हुआ करेगी। मतलब जहाँ जहाँ जो मुक्ति यहाँ से हट गया तो बंधन से हट गए और वहाँ पर ईश्वर से मुक्त हो गया उस जगह में। तो तुम्हारा कहे प्रमाण जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता। ये कैसे बता दिए, ब्रह्मा यहाँ पर था और यहाँ से हट के वहाँ चला गया, यहाँ के ब्रह्म तो ही रह गया, ब्रह्म एक है ना, ब्रह्म यहाँ के ब्रह्म ही रह गया ना, फिर वहाँ जो गया खाली अंतकरण गया ना। तो यहाँ जिसके साथ संबंध में बातचीत किया था वो ब्रह्म तो वहाँ रहा ही नहीं। हाँ तब तो सभी यदि ऐसे कहेंगे नहीं ब्रह्म एक है और सर्वत्र है सभी के बातों को समझता है, तब तो सारे बातों को हमको आना चाहिए, हमको याद ये भी नहीं आता है। ब्रह्म जैसे सभी को बातों को एक साथ जान लेता है ना, ऐसा हमको भी जानना चाहिए, ऐसे तो होता नहीं। समझ में आ रहा है, यदि हमने इस भाग को ही हटा के लेते अंतकरण को लेके जाएंगे तो वो वहाँ के जो मैं संबंध करते मैंने वहाँ था ये स्मृति नहीं रहेगी, क्योंकि ये चेतन ब्रह्म यहाँ पर रुक चुका है, खाली अंतकरण जड़ पदार्थ गया था, यहाँ से रो तक अंतकरण गया था ना, ब्रह्म तो यहाँ रुक चुका है, तो यहाँ के जो संबंध था वो वहाँ पर याद नहीं होना चाहिए। वहाँ किसी को मिलेगा तो किसी विषय को जानेगा तो वो स्मृति में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बताए तो इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि में ब्रह्म को अंतकरण बिगड़ा करेगा और बद्ध मुक्त भी क्षण क्षण में होता करेगा। ये तो समझ में आ गई। और तुम्हारे कहे प्रमाण से प्रमाण तुम्हारे कहे प्रमाण जो जैसा होता तो किसी जीव को वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता। मैं यहाँ से जा चुका हूँ ना, यहाँ छोड़ चुका हूँ, वहाँ पर अंतकरण जा चुका है, तो पहले का मुझे स्मृति कैसे आता है, स्मृति तो आ ही रहा है क्यों, छोड़ चुका तो वहीं पर रह गया था ना चेतन था, तो ये बताया ऐसे स्मृति तो नहीं होता, कौन स्मृति हो रही है हमको, तो स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्मों ने देखा वह नहीं रहा, पहले जो देखा था वह नहीं रहा, इसीलिए ब्रह्म जीव अजीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक पृथक है। मछली जल है ना पूरा ठीक है, जल पूरा भरा हुआ है ब्रह्म मान ले, मछली जो अंतकरण है ठीक है, जहाँ इस भाग में था मछली और आगे के भाग में जा रहा है, तो अंतकरण क्या ब्रह्म तो एक रूपता है, जल तो एक रूपते ब्रह्म आगे विद्यमान है। ये क्लियर हो गया अभी। अभी जो मछली के अंदर मछली को हम ले ले मनुष्य ठीक है, मैं मछली हूँ ऐसे मान ले, तो ये मछली यहाँ पर जो अभी याद कर रहा है, ये जो चेतनता है जो स्मृति में अनुभूति कर रहा है वो कौन है, ब्रह्म है ठीक है। अभी ब्रह्म यहाँ पर छोड़ दे हमने, वहाँ से अंतकरण हट जाएगा, रोहतक चला गया, अभी रोहतक जाने के बाद जो ब्रह्म था ये ब्रह्म यहीं पर रह गया ना, व्यापक रूप में जो ब्रह्म है वो यहीं पर रहेगा ना, इस देश का ब्रह्म, तो उस देश में दूसरे ब्रह्म आ गया, दूसरे देश का ब्रह्म हो गया ना, परंतु हमको ऐसे अनुभूति नहीं होता, हमारी स्मृति तो मैंने जो देखा था उस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, कि भाई ये स्मृति रहता ना पूरा, पूर्व से मैं देखा था पहले तो वो तो व्यक्ति रहा ही नहीं, वो तो यहाँ रह चुका है, फिर भी वहाँ स्मृति हो रही है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो कहने का अर्थ है कि जीवात्मा ब्रह्म यदि ऐसे मानेंगे तो उनके हेतु क्या काटे अभी, इसमें महर्षि ने किस प्रकार से हेतु से बताया कि जीवा ब्रह्म नहीं है जीवात्मा है। सर जी मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी पूछिए। जैसे किसी घट में आकाश है, जब वो खाली होता है हम कहते हैं कि घट में आकाश है, हाँ अब हम उसमें जल भर देते हैं, अगर वो पूरा भरा है तो भी क्या उसमें आकाश रहेगा।
नहीं रहेगा। तो वो कहाँ गया? हाँ नहीं, वो जिसको जल में, घड़ा में जब आकाश था और आकाश में जल डाल दिए, तो वो घड़ा का जल जल वाला घड़ा हो गया, ठीक है। और नहीं, उसमें घड़े में हमने जब आकाश वो जल डाल दिया तो अब उसमें आकाश नहीं रहा। हाँ नहीं रहा, कोई बात नहीं, जी, क्योंकि नहीं रहा बताने से कोई दोष नहीं आएगा स्थूल आकाश आकार घटित में। होता है उसमें, ऐसी वो जो अवकाश प्रदान करता है वो कहाँ चला जाता है फिर वो? नहीं, ऐसे यदि परमाणु को देखेंगे आपने, ऐसे सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, तो अब तो जल के अंदर में भी अवकाश है। जैसे इन्होंने चिदाकाश ब्रह्म का उदाहरण दिया ना जी, नहीं, वो तो यदि हम ये मान, विषय तो हाँ हट जी, यदि हम ये मान लें कि घट में अगर खाली है, अगर तो उसमें वायु है, तो हमने जल डाला वायु निकल गई। अब हम ये मान रहे हैं कि उसमें आकाश है, आकाश तत्व है, तो क्या वो उसमें जब जल डालने से आकाश तत्व उसमें रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसे यदि इस प्रकार से प्रश्नों को हम देखेंगे इस भाष्य के अनुसार, तब तो वहां पर आकाश भी है। जी, तो पर यदि आकाश रह सकता है तो फिर ब्रह्म क्यों नहीं रह सकता? नहीं, यदि घड़े के अंदर में जल के साथ आकाश रहता है तो, हाँ बोलिए, रह गया तब क्या यदि इस तरह होगा? से आकाश रहता है कि जल उसमें चाहे है चाहे नहीं है तो भी आकाश विद्यमान है, अगर हम ये मानते हैं, तो फिर ब्रह्म मानने में क्या, फिर ब्रह्म भी मानने हम में क्या कहाँ मना दिक्कत कर रहे हैं, होगी? ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, कौन नहीं, फिर तो मना? प्रश्न यही है ना, इसका नहीं, उत्तर दिया जा ये सकता अलग हो गए विषय, वो दूसरे विषय था, आप जो पूछ रहे कल के विषय था, ये दूसरे विषय आ गए। पहला विषय उन्हें जो रखे थे उसका उत्तर महर्षि ने दे दिया, वो चुप हो गए। अभी दूसरा विषय उन्हें उठा दिया। पहला विषय था कि जैसे घटाकाश मठाकाश होते हुए और ईश्वर अंतकरण उपाधि के भेद से कारण से ईश्वर जीव है, वो एक प्रकार का था, तो उसको तो बता दिए, नहीं घटाकाश हो कि मठाकाश हो, वो एक ही आकाश है, तो ब्रह्म एक ही है, वो जितने भी आपने जीव उसका अलग नहीं है, वो ब्रह्म एक ही है। तो मान लिया कि भाई हाँ, घटाकाश के कारण से वो जीवात्मा का अलग चीज़ होगा, वो नहीं है, उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। अभी प्रश्न दूसरे प्रकार से मोड़ के बता रहे हैं उन्हें, मछली का उदाहरण लेते हुए कि तो बताते, ये मछली में यही कह रहे हैं ना जी, कि वो जो है जो वो हवा में ही, मतलब जो आकाश में ही वो हाँ तैरते हैं, हाँ मैं हाँ जैसे, तो उसी में विद्यमान रहते हैं, तो हाँ उसी से ही मैंने प्रश्न किया जी, उसी उसी संदर्भ में। हाँ जैसे कि इन्हें जो प्रश्न किया यहाँ पर, कि जैसे कि आकाश के बीच में पक्षी रहता है और पक्षी घूमता जाता रहता है, परंतु ब्रह्म का कोई हानि नहीं हो रहा है, तो इस जो जो पक्षी घूम रहा है वो अंतकरण है, वहां पर था तो जीवात्मा था, अंतकरण उपाधि वाला था, ये सीधे अंतकरण बता रहे हैं कि ये अंतकरण जो है वो घूम रहा है, और अंतकरण जो चेतनता को प्राप्त कर लिया ब्रह्म के कारण से, ब्रह्म के पास में रहने के कारण से, है तो जड़ पदार्थ, ये बताना चाहते हैं। तो उसका उत्तर, हाँ तो उसके उत्तर यहाँ महर्षि ने ये दिए कि भाई जो आप बता रहे हैं कि अंतकरण यदि चल रहा है, तब तो वो जहाँ अंतकरण रहता वहाँ ब्रह्म को डाउन कर दिया, उसका आवरण आ गया, कि भाई उसका न्यूनता हो गई, एक दोष आ जाएगा। दूसरे दोष आएगा कि जब वो हम स्थानांतरित करेंगे, तब वो जो पहले के जो स्मृति है वो स्मृति नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, और जहाँ स्थानांतरित वो अलग व्यक्ति अंतकरण अलग हो जाता है, जो स्मृति है अंतकरण में रहता है वो अंतकरण पृथक हो जाता है, फिर भी हमको स्मृति हो रही है कि भाई एक ही स्मृति हो रही है, तो चेतनता और अंतकरण के दोनों का मिलन एक स्थान में होते हुए भी भिन्न भिन्न हो जाता है, तो ये संभव नहीं है, ये बताया, ठीक है। और चलो आगे बढ़ो तो पता चलेगा। अभी तीसरे विषय, फिर शंका करने वाला व्यक्ति फिर घूमे, दूसरे विषय को फिर लिया उनने कि ब्रह्म का अध्यारोप करते हैं, ऐसे बताया, पहले तो स्वीकार कर लिया। इसमें दोष क्या आएगा समझ में आ रहा है जी प्रवीण्र जी? फिर दोबारा पढ़ना है इसको, फिर नहीं तो कल चर्चा करेंगे। ये कहना चाहते हैं क्या दोष आ सकता है यदि हम अंतकरण घूम रहा है और उसी को ही चेतन मान लेने से, बहुत गंभीर विषय है, इसको समझने की प्रयास करना। आगे बता रहे कि यह सब अध्यारोप मात्र है, अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना ये अध्यारोप कहता है, वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और उसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध करता होता कराना होता है, वास्तव में तो सब ब्रह्म ही है।
अध्यारोपण मतलब कहते हैं जो कि अन्य वस्तु में अन्य के आरोपित कर देना, प्रेरित कर देना, ठीक है, प्रतीत होना, एक वस्तु में एक वस्तु के प्रतीत होना, बोध होना। तो ब्रह्म तो सारे हैं ही, ठीक है, आप भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, आपके अतिरिक्त भी ब्रह्म है, खाली एक उपाधि दिया गया है, पद दिया गया है, ये पूर्वपक्षी कहना चाहते हैं, ठीक है। यह एक अध्यारोपण मात्र है, ठीक है, और परंतु ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, एक वस्तु ही है। तो बताया अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना यह अध्यारोप कहते हैं। जैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इन सब व्यवहार का अध्यारोप करते हैं, जिज्ञासु को बोध कराना होता है, वास्तव में वो सब ब्रह्म है। केवल आप लोगों को जनाने के लिए यह अध्यारोप किया गया है, समझा गया है, कैसे उदाहरण कुछ एक करो। चलो ये प्रश्न ही करते हैं, देखो अध्यारोप का बात खोलते हैं यहाँ पर। प्रश्न, अध्यारोप को, अध्यारोप का करने वाला कौन है? तो अध्यारोप क्या, अध्यारोप किसको कहते हैं, समझ में आया? वस्तु दूसरे में। तो कैसे, जैसे उदाहरण लो, की उदाहरण दो कि अध्यारोप किसको कहेंगे? अध्यारोप मतलब जैसे कि रोहतक नगर में, ठीक है, रोहतक नगर में कई मार्केट है, ठीक है, कई मार्केट है। तो हमने जानने के लिए बताया जो मंदिर वाला मार्केट है ना, समझ में आ गई, दुर्गा वाला मंदिर वाला मार्केट है, वो जो मस्जिद वाला मार्केट है, ऐसे जो बताते हैं उस थोड़ी उसका नाम है तो सारे मार्केट एरिया है, एक मार्केट है। हमने अपने बुद्धि को समझने समझने के लिए उसके कोई एक संकेत रूप में बता दिए, इंडिकेट कर लिए कि ये जो है वो दुर्गा माता मंदिर वाला जो मार्केट है वहाँ जाना, मार्केट तो एक ही है, और उसमें उस एंगल को समझाने के लिए बता दिए। ऐसे एक ही चीज में हमने आक्षेप करते हुए, एक संकेत करते हुए उनको बता दिया गया, इसको कहते हैं अध्यारोप, मतलब किसी का आधार को लेते हुए समझाना। तो ये अध्यारोप करने वाला कौन है प्रश्नकर्ता, मतलब ये प्रश्न में महर्षि दयानंद जी का प्रश्न है ये, ठीक है। फिर उत्तर जो है पूर्व पक्ष उत्तर देता है जीव, ठीक है। फिर महर्षि प्रश्न करते हैं जीव किसको कहते हैं, तो उत्तर देता है पूर्व पक्षी कि अंतकरण, अंतकरण अवच्छिन्न चेतन को, अर्थात क्या है, अंतकरण द्वारा आच्छादित, ठीक है, आच्छादित चेतनता जो है उसको, घूम लिए ना अभी पूर्व पक्षी, पहले से जो था वो नहीं है, अभी दूसरे आ चुका है, मतलब उसका चेंज हो चुका है। अंतकरण जो चेतन है, जो अंतकरण से आच्छादित हो है। फिर प्रश्नकर्ता अर्थात महर्षि ने पूछ रहे, अंतकरण, अंतकरण अवच्छिन्न, अवच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म है? तो वही ब्रह्म है, हाँ। तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत की झूठी कल्पना कर ली? महर्षि ने पूछ रहे हैं, जो सिद्धांत पूछ रहा है कि क्या ब्रह्म ही ने अपने जगत की झूठी कल्पना कर ली? पहले बताया क्या जीवात्मा ने किया है कल्पना, है नहीं, सारे मार्केट ही है, खाली एक संकेत करने के लिए बता दिया गया कि ये मार्केट है, दुर्गा मंदिर वाला मार्केट है, ऐसे बता दिया गया था। तो ये जो झूठी कल्पना किया गया, तो इसे कौन किया था ना, जीवात्मा क्या था बताए थे, जीव क्या था, फिर उसके लिए जीव जो है वो ब्रह्म है क्यों, वो तो बोलना पड़ेगा ब्रह्म, तो ब्रह्म ही बोल दिए। तो महर्षि ने जो सिद्धांत पूछ रहे हैं, तो क्या ये ब्रह्म ने ही झूठी कल्पना कर ली? तो हाँ, तो ब्रह्म की इसमें क्या हानि है? तो हाँ, कर लिया तो कर लिया, इसमें क्या हानि है? जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठा होता है, झूठा नहीं होता? तो बोले तो उत्तर जो पूर्व पक्ष उत्तर थे, नहीं, क्योंकि जो मन वाणी और कल्पित है, कल्पित व कथित है, वह सब झूठा है। तो फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं? तो जो पूर्व पक्ष उत्तर दे रहे हो, इसको इष्टापति है, हो तो हमको इष्टापति, इष्टापति हमको क्या आपत्ति है, तो हमको क्या आपत्ति हो, तो उनके झूठे हो तो हमको क्या आपत्ति है उसमें? तो बाहर महर्षि ने बता रहे, बाहर झूठे वेदांती हो तुमको, तुमने सत्य स्वरूप, सत्य काम, सत्य संकल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर लिया। देखो महर्षि के भाषाओं में कहीं कहीं कठोरता यहाँ दिखाई देता है, तो ये कहने का तात्पर्य नहीं कि उनके कठोर शब्दों को प्रयोग करना चाहते हैं,
वो हमारे अंदर में विद्यमान जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, उसको दूर करना चाहते हैं। इसको यदि हम बिगड़ लेंगे, कैसे व्यक्ति इतने झूठे कथा, तब वो अलग सत्य कहते हैं। इसलिए भूमिका में पहले पढ़ना चाहिए इसका, कि भूमिका में वो स्वयं बताते हैं कि मेरे उद्देश्य केवल मात्र है कि सत्य के अर्थ को प्रकाशित करना, जो वस्तु जैसा है उसको मैंने बोध कराना चाहता हूँ, जो आपने भूल चुके हैं, विपरीत मान्यता आ चुका है आपके अंदर में, उसको दूर करना चाहता हूँ। तो उसको तो थोड़ा थप्पड़ लगेगा ना, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है तो गलत बोलेगा तो उसको लगेगा ही, लेकिन बोलना ही पड़ेगा, तब तो दूर करेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए थोड़ा सा कठोर शब्द है कि हमको इसको सुधारना है इसी उद्देश्य से, लेकिन उद्देश्य नहीं कि आपको कष्ट देना। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुमने जो सत्य स्वरूप, सत्य काम, सत्य संकल्प, परमपिता को, परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया, क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है? किस उपनिषद व सूत्र में व वेद में लिखा है कि जो परमेश्वर मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दंड दिया, अर्थात उल्टी चोर कोतवाल को दंडे, इस कहानी के सदृश तुम्हारे बात हुई। यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंड, कोतवाल मतलब पुलिस, ठीक है, पुलिस जो है वो चोर को दंड देना वो तो उचित है, और चोर ने पुलिस को दंड देना तो ऐसे बात हो गई। तो जो मूर्ख है, अर्थात हम जो अल्पज जीवात्मा है, ब्रह्म को अल्पज बना दिए, समझ में आ गए, हम स्वयं ही ब्रह्म को अल्पज बना दिए हमारे सिद्धांत के अनुसार, उल्टा हो गया ना। तो बता रहे तो कोतवाल चोर को दंड, परंतु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दंड देवे, वैसे ही तुम मिथ्या संकल्प मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। वेदांती मतलब वो जो नूतन वेदांती है, वेदांति का अर्थ क्या है सुन समझ लो पहले, वेद का सार, वेदांत जो कहते हैं वेद का सार, तो वेदांती जो है कि वेद का सार रूप में जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्या किया गया था वो वेदांती थे। फिर दर्शन शास्त्रों के जो अंतिम वेदांत दर्शन आता है, मीमांसा दर्शन के एक भाग जो वेदांत दर्शन आता है उसको वेदांती कहते हैं, वेदांत दर्शन के जो पढ़ने वाले वेदांती कहते हैं, हाँ। परंतु वेदांती वेदांत जो ब्राह्मण ग्रंथों को करते हैं पढ़ते हैं, तो अभी बाद में जो आए वेदांती नाम से, वो केवल वेदांत शंकराचार्य के वेदांत को पढ़ने वाले ही ये वेदांती हुए, उससे पहले तो थे सो नष्ट हो चुके हैं। तो उन्हें कम जानते हुए अपने सिद्धांत को रखे, वेद के सिद्धांत को रख नहीं पाए, इसलिए नूतन वेदांती कहते हैं। वास्तव में वेदांती तो वेद को सार को जानने वाले व्यक्ति वेदांत कहते थे, वेदांती सब कुछ जानने वाले। लेकिन ये जो वेदांती जिसको अपन को परिचय देते हैं, वेदांती हूँ मैं, वेदांत पढ़ता हूँ, उस व्यक्तियों के नाम से बता रहे हैं। शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के प्रति भूमिका को, वेदांत दर्शन को खूब बल लगाया गया, उनने जो दर्शन में उसको ही पढ़े, तो उसके उसके आधार पर ब्रह्म एक है, अद्वितीय ब्रह्म है, इस बात को उनने अर्थ निकाले। अन्य ग्रंथों को ना पढ़ते हुए, अन्य दर्शन को भूमिका को ना देते हुए, तो उपनिषद के आधार पर उसके कर लिए कि जीवात्मा है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है, एक ही ब्रह्म है, संसार भी सब कुछ ब्रह्म है। अच्छा, आदि ना पर इसको कर लिए, तो उसके बाद उनकी शिष्यादि परंपरा चल पड़ा हो। अच्छा, ऐसे है ना थोड़ा, हाँ बताओ। इसमें क्या था आचार्य जी, वो लक्ष्य दूसरा था, जैन जो है आत्मा को मान रहे थे, हाँ, और ब्रह्म को नहीं मान रहे थे, हाँ, तो वो उस समय की परिस्थिति था, तो उन्होंने ब्रह्म को ही सर्वोपरि बताया वहां पर, ठीक, दूसरे वाले को हराने के लिए। हुँ। तो जिस समय हमारा जैसा दिमाग चलता है वैसा चल पड़ता है, तो जो शिष्य लोग थे उन लोगों ने वैसे ही प्रचारित कर दिया, ठीक बात। उन्होंने कहा जीव नहीं है ब्रह्म है, उन्होंने कहा ब्रह्म नहीं है जीव है, तो वो शास्त्रार्थ उनका होता था। चाणक्य समय में भी आप सीरियल आदि में देखे होंगे, चाणक्य काल में भी जब वो जैन धर्म आदि प्रचार हुआ, तो ये जो सनातनी जिसको ब्राह्मण आदि करते थे, जो जन्म से ब्राह्मण मान के चलते थे, तो उनको रक्षा करने के लिए बड़ी चहल बन गई कि हमारे कैसे रक्षा होगा, हमको खाना पीना कौन देगा, सारे लोग राजा आदि सब बौद्ध धर्म में जैन धर्म में जो जाने लगे, तब वो उनको एक था कि किस प्रकार से ये रक्षा हो, शास्त्रों का, वेद का, दर्शन का, उपनिषद का कैसे रक्षा होगा, विद्वान है ही नहीं कोई, और हम ब्राह्मण धर्म के कार्य कोई मानेंगे ही नहीं सारे।
तो उन लोगों ने ईश्वर को तो मानते नहीं थे, ईश्वर सत्ता को मानने नहीं थे, क्यों शांति कैसे मिलेगी आत्मा को, उसी दृष्टि से गति कर रहे थे जैन और बौद्ध धर्म वाले। तो उसको रोकने के लिए शंकराचार्य ने खूब बल लगा कि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, यही तो ब्रह्म है, यही तो ब्रह्म है, यही तो ब्रह्म है, तो इसको ब्रह्म दिखाने लगे। तो इसके बाद उनके देहांत होने के बाद और भी उनको मार दिया गया। हाँ जो भी है, तो चलो तो महर्षि उत्तर देते हैं, जो ब्रह्म मिथ्या जानी मिथ्यावादी मिथ्याकारी होवे तो सब अनंत ब्रह्म वैसा ही हो जाए, क्योंकि वह एक रस है, सत्य स्वरूप है, सत्यमानी है, सत्यवादी है, सत्यकारी है। तो वह ब्रह्म एक रस होने के कारण से सत्य स्वरूप है, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी। समझ में आ गई, सत्य स्वरूप तो हो गया, अर्थात तो जो जैसा है वैसे ही वो, कोई परिवर्तन नहीं होता है कभी भी तीनों काल में। सत्यमानी सत्य को ही वो मानते हैं, सत्यवादी जो भी वेद आदि माध्यम से हमको प्रेरणा देते हैं वो सत्य ही होता है, और सत्यकारी और सत्य आचरण ही करते हैं। तो ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म का नहीं, परंतु हम इसका विपरीत करते हैं, हम एक रस में रहते नहीं, हम सत्य स्वरूप है ही नहीं, हम सत्यमानी है ही नहीं और सत्यवादी है ही नहीं, सत्यकारी भी नहीं है। तो ये दोष हमारे हो जाता है, ब्रह्म का कभी नहीं है। जिसको तुम हाँ जी जी मैं इसमें मतलब एक प्रश्न था, हाँ, कि जैसे किसी हम कल्पना करते हैं कि टायर है, जैसे ट्यूब होती है टायर की, हवा होती है, ठीक है, अब हम उसमें जल भर देते हैं सारे में, तो हवा निकल जाती है ना। हाँ जी, तो अब यह हवा रह सकती है या जल रह सकता है? कोई बात नहीं, दोनों। हाँ, तो अगर पूरा भरा है तो दोनों ही केस में उसमें आकाश है। तो यदि वो अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे हवा रहे चाहे जल रहे, तो यदि आकाश रह सकता है तो ब्रह्म क्यों नहीं? तो नहीं नहीं, ब्रह्म रहने में कहाँ दोष किया गया, इस बात को तो उठा ही नहीं। जीव ही ब्रह्म है ये बात उठती है, वो समस्या है। ईश्वर तो ब्रह्म तो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसको अस्वीकार कोई भी नहीं किया। ब्रह्म आकाश के द्वारा अवकाश किए जाने से यदि वो ट्यूब भी रह सकती है, उसमें जल भी रह सकता है, हाँ, और उसमें हवा भी रह सकती है, वो अपना कार्य जैसे भी चल रहा है, हाँ, तो क्या ब्रह्म के रहने से यदि एक माना जाए, जैसा कि ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, हाँ, उन्हीं का पक्ष एक बार समझना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, पूर्व पक्ष के उसकी ऊर्जा से उसकी वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और मूल रूप में एक ही अवकाश जो है, जो आकाश, उस संदर्भ में क्या हम नहीं मान सकते? मान सकते, कहाँ खंडन कैसे होगा? देख मैं बताता हूँ, जैसे आपने जो दृष्टांत दिए हैं कि आपका दृष्टांत ये था कि आकाश में जल भी रहता है, टायर भी रहता है, जल भी रहता है, सब कुछ रहता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में ब्रह्म में अंतकरण भी रह सकता है, ऐसे आप कहें ना, कोई दोष युक्त तो नहीं है। हम जैसे कि अभी उसी टायर को यदि हम जला दें, उसी ट्यूब को, तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आकाश फिर भी विद्यमान रहेगा, वो पहले भी था, ठीक है, हम भी काम चल रहा है, उसी में उसमें पानी है, उसी में वो कार्य कर रहा है, तो उस दृष्टि से यदि वो एक ही कह रहे हैं मूल रूप से, तो यहाँ पर आपत्ति कहाँ पर है? तो वो आपत्ति है ही नहीं, मैंने तो यही बताना चाहता हूँ। जब अंतकरण को आपने अंतकरण को अस्वीकार नहीं किए, महर्षि ने अंतकरण है ऐसे मना नहीं किया उन्हें, और अंतकरण ब्रह्मांड में बहुत सारे इसको भी स्वीकार है, परंतु ब्रह्म ही अंतकरण है, जो चेतनता हमारे अंदर में है वो ब्रह्म है, ये दोनों बातें गलत है। आकाश ही जल है, वो नहीं है, जल अलग है और आकाश अलग है, आकाश में जल है वो मान्यता सही है, अस्वीकार नहीं है। जल के अंदर में आकाश है, जल के बाहर आकाश है, वो मान्यता भी सही है, परंतु जल ही जल जो है वही आकाश है वो गलत है। जल अलग पदार्थ है और आकाश अलग पदार्थ है, समझ में आ गया? तो जीवात्मा अलग पदार्थ है, अंतकरण अलग पदार्थ है, और ईश्वर अलग पदार्थ है, जो व्यापक रूप में विद्यमान है वो कहना चाहते हैं। कैसे भी जल हमेशा आकाश में रहता है, जहाँ भी जल होगा वो आकाश तो होगा ही वहाँ, हाँ, तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि आत्मा जो है वो सदा परमात्मा में रहता है, ठीक है, ये कहना, हाँ, ये तो हम कह रहे हैं, वो पूर्व पक्ष ये नहीं कहता, हाँ, जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जीवा आत्मा अलग है, हाँ, परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा में ही रहता है, ये हमारा विचार है। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्म अलग अलग होते हुए भी ब्रह्म के अंदर जीवात्मा है, और जीवात्मा के अंदर भी ब्रह्म है, जीवात्मा के बाहर भी ब्रह्म है, ऐसे अंतकरण में अंतकरण के अंदर भी ब्रह्म है, अंतकरण के बाहर में भी ब्रह्म है। जैसे आप जैसे बताए थे, जल के अंदर में भी आकाश है, जल के बाहर में भी आकाश है,
इसमें सिद्धांति को कोई दोष नहीं है, सिद्धांति स्वीकार करता है इसको। पूर्व पक्षी के खंडन तो महर्षि ने इसी प्रकार से किए कि जो अंतकरण था वही जीव है वही ब्रह्म है, वो गलत था। तो उनको सारे ब्रह्म ही है इसको स्वीकार नहीं किया जाता है सत्याकार में, ये बता रहे हैं। तो हाँ आगे बता रहे हैं, जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है। कौन बता रही है? महर्षि बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं कि आप जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारे अध्यारोप भी मिथ्या है। जो अध्यारोप जो हम कर रहे थे वो भी मिथ्या है, क्योंकि आप ब्रह्म न होकर आपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं है तो क्या है? जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न न होने से अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता। फिर पढ़ो, जो सर्वव्यापक हो वो परिच्छिन्न नहीं हो सकता, खंड खंड नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो खंड खंड नहीं हो पाएगा तब वो अज्ञान बंध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है। अल्प बात तो समझ में आ चुका है, और अल्पज्ञ ये जीव में होता है। क्यों होता है जी? शिव जी, अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है। अल्पज्ञ जीव में क्यों होता है? कारण भी बता दिया उस वाक्य में ही, बोलो। जीवात्मा क्योंकि अल्प है, इसी कारण से अज्ञान भी अल्प है उसके पास में। अल्प ज्ञान होगा तो गिरेगा ही, जिस वस्तु को जैसा है वो जानेगा नहीं, उसके उल्टा मानते हुए खाएगा पकड़ेगा रखेगा, तो इसी कारण से वो बंधन में आ जाता है और अलग अलग भी रहता है। तो अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी, एक देशी होगा तो परिच्छिन्न होगा ही, दूसरे स्थान को जाते समय परिच्छिन्न होगा, खंडित खंडित रहेगा ही, और अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म में नहीं। ठीक है, समझ में आ गई। अब मुक्ति बंध का वर्णन करते हैं, मुक्ति किसको कहेंगे, बंधन किसको कहेंगे, ये आगे बढ़ेगा। आचार्य जी, ये जो आपने अभी शंकराचार्य जी के मत में कहा, तो स्वामी दयानंद जी ने 11वें समुल्लास में लिखा है जी, और स्वामी जी बोल रहे हैं कि वो वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, व्याकरण पढ़े थे जी जी जी। तो पक्ष इस प्रकार से था कि सुंदवार जो राजा था जैन, वो जैन का राजा था, वो जैन जो नाम पड़ा है वो जैनों का ही एक समय बहुत समय बाहुल्य था वहां पर, उससे पहले इस देश का नाम उज्जैन ही था। तो संदुवार से बोले कि भाई तू संस्कृत पढ़ा लिखा है, तू जैन मत की स्थापना करा, मैं वेद मत की स्थापना कराता हूँ, जो जीतेगा वो उसका मत स्वीकार कर लेगा। अच्छा, तो शंकराचार्य जी ने संदुवार राजा के कहने पर संदुवार राजा को बीच में लिया, संदुवार राजा ने जैन के पंडितों को बुलाया और वेद मत से शंकराचार्य जी आए, और यही शर्त रखी गई जो शास्त्रार्थ हारेगा वो जीतने वाले का मत स्वीकार करेगा। तो जैनियों का मत था कि जीव और जगत अनादि है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म अनादि है, जीव और जगत मिथ्या है, क्योंकि बात जीत वाली बात थी, अस्तित्व वाली बात थी, और दूसरे के मत को स्वीकार करने वाली बात थी। व्याकरण पढ़ा हुआ, शास्त्र पढ़ा हुआ, वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या ये नहीं जानता त्रैतवाद क्या होता है? चलो जो भी है, मतलब वहां पर बस वो भाव था उनका, जीव और जगत मिथ्या है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, तो ये वहां शास्त्रार्थ था। तो फिर क्या हुआ वहां पर शास्त्रार्थ? उसके बाद में वो जीते हैं, सुंदवा ने वेद मत स्वीकार किया है। अच्छा, और फिर सुंदवा राजा ने और शंकराचार्य ने का पूरे देश में भ्रमण की व्यवस्था कराई है, और उसके बाद में अपने आप जैनों की मूर्तियां टूटना शुरू हुई। अच्छा, शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए गए तो वे एक हाथ में वेद और एक हाथ में पत्थर लेकर के घूमते थे, लोगों से शास्त्रार्थ करते थे, और जहां हारते थे वहां मूर्तियां तोड़वाते थे, पर ऐसा शंकराचार्य जी ने नहीं किया, ऐसा स्वामी दयानंद जी बोल रहे हैं। अच्छा, तो वहां पर लोगों ने मूर्तियां तोड़ी हैं, जैनों ने अपनी मूर्तियां ना टूटे इसलिए उन्होंने भूमि में गाड़ दी, इसलिए आज जितनी भी खुदाई में मूर्तियां मिलती हैं जो साबुत हैं वो हैं जो त्रासदी में नहीं टूटी, और जो टूट चुकी हैं वो शंकराचार्य जी के प्रभाव से उस समय की हुई थी। तो जिस प्रकार से महात्मा मुंशी राम ने श्रद्धानंद जी को अब्दुल रशीद ने मारा, ऐसी एक जैन व्यक्ति था जो अंदर से कट्टर था और बाहर से शंकराचार्य जी का भक्त था, जैसे जगन्नाथ मिश्र था रसोईया, तो ये स्वामी शंकराचार्य जी के पास उनकी सेवा में आया और उसने विष देना शुरू किया स्वामी जी को, और 6 महीने में
स्वामी जी की शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई, तो उनको मृत्यु जय देने वाले भी जय नहीं थे, तो ये इतिहास है इनका। ठीक है, तो कल हम बंधन मुक्ति के विषय में चलेंगे। मंत्र पाठ करते हैं। ओ